स्टूडेंट्स, हम फोर ईयर सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। अब जो हमारे पास फोर ईयर सीरीज़ है, हमने सिंपल फंक्शन की हमने फाइंड की थी, जिसमें इंटरवल में डायरेक्ट 0 to 2 पाई गिवन था। हमने ये नोट ए एन और बी एन की वैल्यूज़ फाइंड कर ली थी और हमने अपनी फोर ईयर सीरीज़ में पुट कर दी थी। अब जो आपके पास है फोर ईयर सीरीज़, वो है हैविंग पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज। आपके पास पहले जो थी उसमें आपको क्या गिवन था कि 0 to 2 pi हमारे पास क्या है, इंटरवल था, हम डायरेक्ट उस पर फाइंड कर रहे थे। अब कह रहे हैं कि फोर ईयर सीरीज़ हमारे पास उन फंक्शंस के लिए फाइंड करो जिसमें सब कुछ पॉइंट्स क्या होंगे, डिसकंटिन्यूटी क्या होंगे। कहते हैं मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास जो फंक्शन है वो किस इंटरवल में है, c to c+2π। ठीक है, आप देखो और एफ एक्स डिफाइन कैसे किया हुआ है। एफ एक्स इज इक्वल टू एच एक्स वैन एक्स लाइज बिटवीन c to a एंड जी एक्स वैन एक्स लाइज बिटवीन a to c+2π। तो आप देखो यहाँ हमारा फंक्शन ए पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो यहाँ हमारे पास ए पे क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, वेयर ए इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर है? तो यहाँ पर आप जब ए नोट फाइंड करोगे देन कोफिशिएंट्स तो हमें वही फाइंड करनी है। तो ए नोट किसकी इक्वल होगा, 1 by pi c इंटीग्रेशन हमारे पास पहले क्या है, c to a है ना फंक्शन, तो c to a एच एक्स डी एक्स। बस हमने उसको ब्रेक कर दिया, जो हम लेते थे ना वहाँ कंप्लीट इंटरवल के लिए, हमने उस कंप्लीट इंटरवल को डिवाइड कर दिया 2 में। तो a to c+2π gx dx। ठीक है, ये हमारा ये नोट हो गया। अब सिमिलरली हमने क्या फाइंड करना होगा, ए एन। तो जो हमारा फॉर्मूला था 1 by pi, वहाँ हमारे पास 0 to 2 pi था, यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, c to a एच एक्स डी एक्स एच एक्स कोस एन एक्स, हम लेते थे ना ए एन में, एच एक्स कोस एन एक्स डी एक्स प्लस a to c+2π जी एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। क्लियर है? ये हमारे पास क्या हो जाएगी ए एन की वैल्यू। सिमिलरली हमारे पास बी एन क्या हो जाएगा, 1 by pi c to a एच एक्स साइन एन एक्स डी एक्स प्लस a to c+2π जी एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो कहते हैं देखो एट ए पॉइंट ऑफ फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, कहाँ है हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एट एक्स इज इक्वल टू ए, देयर इज फाइनाइट जंप इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। ये हमें पता ही है, जहाँ पर हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा वहाँ कुछ ना कुछ जंप्स होंगे, फंक्शन में कुछ ब्रेकेज होंगी उस पॉइंट पे। देखो फंक्शन बोथ दी लिमिट, यहाँ पे देखो बोथ दी लिमिट ऑन द लेफ्ट दैट इज एफ ऑफ ए माइनस जीरो, क्योंकि ए पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, एफ ऑफ ए माइनस जीरो एंड द लिमिट ऑन राइट साइड दैट इज एफ ऑफ ए प्लस जीरो एग्जिस्ट बट दे आर डिफरेंट। आपको पता है ना डिसकंटिन्यूटी की कई टाइप्स होती हैं, तो हमारे पास जो यहाँ पर है वो कैसी होगी डिसकंटिन्यूटी, जिसमें हमारी लेफ्ट एंड राइट लिमिट एग्जिस्ट तो करती होगी बट दोनों वैल्यूज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है, तो कहते हैं एट सच पॉइंट
फोरियर सीरीज गिव्स द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एज द अर्थमेटिक मीन ऑफ दीज टू लिमिट्स। मतलब आपको देखो आपके पास क्या है कि आपका फंक्शन आपको पता है कि ए पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है। हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड कर ली उसकी। वो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, एफ ऑफ ए माइनस ज़ीरो। राइट हैंड लिमिट भी फाइंड कर ली, दैट इज़ एफ ऑफ ए प्लस ज़ीरो। दोनों वैल्यूज़ हमारी एग्जिस्ट तो करती होंगी इस केस में, बट दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी उन्हीं का अर्थमेटिक मीन निकाल लेना है, वही क्या होगी हमारी सीरीज़ की वैल्यू होगी। तो देखो एट एक्स इज इक्वल टू ए, कैसे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारी एफ ऑफ ए माइनस ज़ीरो प्लस एफ ऑफ राइट हैंड लिमिट ए प्लस ज़ीरो। तो हमने दोनों लिमिट का क्या निकाल लिया, अर्थमेटिक मीन निकाल लिया। हमारी जो फंक्शन होगा उसकी फोरियर सीरीज इसी की इक्वल होगी, क्लियर है। अगर हमारा फंक्शन क्या है डिसकॉन्टिन्यूस है तो हमें इस तरीके से फाइंड करना है। देखो अब आपका इसका एग्जाम्पल है, कहते फाइंड द फोरियर सीरीज फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई व्हेन एक्स लाइज बिटवीन माइनस पाई टू ज़ीरो एंड वैल्यू इज एक्स व्हेन एक्स लाइज बिटवीन ज़ीरो टू पाई। तो इंटरवल क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे माइनस पाई टू पाई हो गया। और नेक्स्ट कहते हैं हैंस डिड्यूस दैट वन बाई वन स्केयर प्लस वन बाई थ्री स्केयर प्लस वन बाई फाइव स्केयर प्लस अप टू इज इक्वल टू पाई स्केयर बाई एट। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द सीरीज एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई। फिर हमें ये फाइंड करना है। तो देखो आपके पास यहाँ फंक्शन देखो जो होगा फोरियर सीरीज सॉल्यूशन, आपको पता है एफ एक्स किसके इक्वल होगा, ए नोट बाय टू प्लस समीशन एन रनिंग वन टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स प्लस समीशन एन रनिंग वन टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स, यही होगा हमारा फंक्शन। तो सबसे पहले हम कोफिशेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे ए नोट की। ए नोट की वैल्यू क्या होगी, वन बाय पाई। हमारे पास ये पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या है, देखो ज़ीरो है ना, तो हम ज़ीरो तक लेंगे पहले माइनस पाई टू ज़ीरो एफ एक्स डी एक्स प्लस ज़ीरो टू पाई एफ एक्स डी एक्स, क्लियर। तो आप देखो वन बाय पाई माइनस पाई टू ज़ीरो के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, माइनस पाई। तो मैंने वही लिखा माइनस पाई डी एक्स प्लस ज़ीरो टू पाई के लिए हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है x, तो मैंने x डी एक्स लिखा। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, वन बाय पाई माइनस पाई का ये इंटीग्रेशन करोगे माइनस पाई x हो गया, लिमिट इज़ माइनस पाई टू ज़ीरो प्लस यहाँ करो एक्स स्केयर बाय टू लिमिट इज़ ज़ीरो टू पाई। तो वन बाय पाई, अब आप देखो इसमें लिमिट पुट करो, अपर लिमिट रखोगे तो ये पार्ट ज़ीरो हो गया, लोअर लिमिट रखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर एक्स की जगह माइनस पाई रखोगे तो फिर से क्या हो जाएगा माइनस पाई स्केयर, और यहाँ आप रखोगे अपर लिमिट तो क्या बनेगा प्लस पाई स्केयर बाई टू, और फिर जब ज़ीरो रखोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो। तो मीन्स हमारे पास क्या बना, वन बाय पाई अंदर हमारे पास रह गया माइनस पाई स्केयर बाय टू, तो एक पाई से तो पाई कैंसिल हो गया माइनस पाई बाय टू, ये हमारे पास ए नोट की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करेंगे ए एन की। ए एन की वैल्यू क्या होगी, वन बाय पाई पहला माइनस पाई टू ज़ीरो एफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स प्लस ज़ीरो टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो वन बाय पाई हमारे पास क्या होगा, माइनस पाई टू ज़ीरो के लिए फंक्शन क्या है पाई, माइनस पाई देख सकते हो माइनस पाई की मैंने हमें, तो माइनस पाई लिख रही हूँ मैं, माइनस पाई कोस एन एक्स डी एक्स प्लस ज़ीरो टू पाई एफ एक्स, इस केस में क्या है एक्स, तो एक्स कोस एन एक्स डी एक्स, क्लियर है। हम दोनों को इंटीग्रेट कर लेंगे, वन बाई पाई
इस केस में तो पाई तो कांस्टेंट है, कोस का इंटीग्रेशन करोगे क्या आएगा साइन, तो साइन एन एक्स बाय एन लिमिट इज माइनस पाई टू ज़ीरो प्लस। सिमिलरली यहाँ आप इंटीग्रेट करोगे बाय पार्ट्स तो क्या हो जाएगा एक्स एज इट इज़ कोस का करोगे तो साइन एन एक्स बाय एन माइनस इंटीग्रेशन, आप फिर से इसमें एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो वन हो गया, कोस का करोगे तो साइन एन एक्स बाय एन डी एक्स, ठीक है। लिमिट इज ज़ीरो टू पाई, लिमिट इज़ ज़ीरो टू पाई, ठीक है। तो वन बाय पाई यहाँ लिमिट पुट करो, पहले अपर लिमिट रखोगे साइन ज़ीरो ज़ीरो हो गया, और फिर जब पाई रखोगे आप यहाँ पर माइनस पाई रखोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास साइन, आपके पास क्या बन जाएगा साइन एन पाई, साइन एन पाई हमारे पास क्या होगा ज़ीरो, तो ये वैल्यू हमारे पास ज़ीरो हो गई कंप्लीट, ये वाला पार्ट तो हमारा ज़ीरो ही हो गया। यहाँ रखोगे जब आप वैल्यू तो आपके पास क्या बनेगा एक्स की जगह पहले पाई रखोगे साइन एन पाई बन गया, यहाँ पर तो साइन एन पाई वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो रखोगे तो ज़ीरो हो गया। अब यहाँ आप इंटीग्रेशन दोबारा करोगे, ये वैल्यू ज़ीरो हो गई, ये भी हमारे पास क्या हो गई ज़ीरो, इसका इंटीग्रेशन करो अब ये क्या बनेगा हमारे पास साइन एन एक्स, तो साइन एन एक्स का दोबारा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस कोस एन एक्स बाय एन स्क्वायर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो मतलब हमारे पास क्या आया कोस एन एक्स बाय एन स्क्वायर लिमिट इज ज़ीरो टू पाई इस केस में, ठीक है। अब आप इसमें पुट कर दो वन बाय पाई, पाई रखोगे तो क्या बन जाएगा वन बाय एन स्क्वायर कोस एन पाई, फिर लोअर लिमिट रखोगे तो कोस एन ज़ीरो, तो कोस ज़ीरो क्या होता है वन, तो वन बाय एन स्क्वायर, क्लियर है। तो हमारे पास देखो ये वैल्यू क्या बनेगी कोस एन पाई है ना, कोस एन पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस वन रेज टू पावर एन, आपको पता है तो कोस एन पाई इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू पावर एन, तो यहाँ पे वन बाय पाई वन बाय एन स्क्वायर माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन बाय एन स्क्वायर, तो हमारे पास क्या बन जाएगा इसको बाहर कर दो वन बाय एन स्क्वायर को, तो क्या रहेगा वन बाय एन स्क्वायर पाई माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन, ठीक है। तो अब आप वैल्यू फाइंड कर लो इसकी, अब एन ओड इवन के केस में यहाँ डिपेंड करेगा कि अगर एन हमारा क्या हो गया इवन हो गया, इवन के केस में ये वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी पॉजिटिव वन, तो वन माइनस वन वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो, तो मतलब ज़ीरो वैन एन इज़ इवन, क्लियर है। और अगर अब हमारे पास एन ओड हो गया वैन एन इज़ ओड, तो यहाँ पे ये माइनस ही रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस टू, तो ये माइनस टू बाई एन स्क्वायर पाई, क्लियर है। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, तो अब आप वैल्यू फाइंड कर लो। अब यहाँ पर जब आप फाइंड करोगे ना वैल्यूज़ ए वन की, तो वो यहाँ से फाइंड होगी, ए टू की वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो ई वन के केस में, ए थ्री की वैल्यू इस केस से फाइंड होगी, ठीक है। और ए फोर की वैल्यू कहाँ से आएगी यहाँ से, तो फाइंड करो पहले ए वन, ए वन क्या हो जाएगा यहाँ पुट करोगे क्योंकि एन इज ओड, तो माइनस टू बाई पाई इंटू वन स्क्वायर, ठीक है। फिर आप इसमें क्या फाइंड करोगे ए टू, ए टू क्या है इवन के केस में, तो वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो। ए थ्री फाइंड करोगे तो क्या होगा माइनस टू बाई एन थ्री स्क्वायर इंटू पाई, क्लियर है। तो ए फोर क्या हो जाएगा ज़ीरो। सिमिलरली ए फाइव क्या हो जाएगा माइनस टू बाय पाई इंटू फाइव स्क्वायर एंड सोन, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे बी एन, तो बी एन की वैल्यू देखो कैसे होगी फाइंड, बी एन इज इक्वल टू वन बाय पाई, हमारे पास क्या होगा माइनस पाई टू ज़ीरो एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स प्लस ज़ीरो टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो वन बाई पाई माइनस पाई टू ज़ीरो एफ एक्स, एफ एक्स हमारे पास क्या है माइनस पाई साइन एन एक्स डी एक्स प्लस ज़ीरो टू पाई एफ एक्स क्या है एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, क्लियर। तो अब आप इसको इंटीग्रेट करो वन बाय पाई माइनस पाई तो कांस्टेंट है, साइन का करोगे आप तो क्या आएगा माइनस कोस एन एक्स बाय एन, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा पाई कोस एन एक्स बाय एन लिमिट इज़ माइनस पाई टू ज़ीरो। सिमिलरली यहाँ जब आप करोगे इंटीग्रेशन तो यू इन टू वी लगा के करोगे एक्स, या माइनस आ जाएगा कोस एन एक्स बाय एन माइनस इंटीग्रेशन एक्स का वन हो गया माइनस कोस एन एक्स बाय एन डी एक्स लिमिट इज़ ज़ीरो टू पाई, लिमिट इज़ ज़ीरो टू पाई, क्लियर है।
तो आप देखो वन बाय पाई, यहाँ लिमिट पुट कर दो, अपर लिमिट रखोगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ कोस ज़ीरो हो जाएगा, कोस ज़ीरो क्या हो जाएगा हमारे पास वन, तो मतलब हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई एन। जब आप इसमें एन पाई रखोगे आप वैल्यू, तो हमारे पास इस केस में क्या बन जाएगा, देखो कोस पाई तो एज इट इज़, ये कोस एन माइनस पाई हो जाएगा, तो वो भी क्या होगा हमारा पॉजिटिव, तो माइन ये बन जाएगा माइनस पाई कोस एन पाई बाय एन, ठीक है। प्लस यहाँ से आप देखो ये वाली लिमिट क्या है, ये हमारा माइनस का फंक्शन है, तो पाई रखोगे तो क्या बनेगा माइनस, सॉरी एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है पाई, तो पाई पुट कर दो, पाई हो गया और कोस एन पाई बाय एन हो गया, और लोअर लिमिट रखोगे तो ये एक्स इसको ज़ीरो बना देगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वाले में देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, कोस एन एक्स इसका दोबारा करोगे जब आप इंटीग्रेशन, तो क्या होगा हमारे पास कोस एन एक्स इसका दोबारा करोगे तो साइन एन एक्स बाई एन स्क्वायर हो गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो साइन एन एक्स बाई एन स्क्वायर लिमिट इज ज़ीरो टू पाई, ठीक है। तो अब देखो देखो वन बाई पाई हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हम पाई बाई एन कॉमन ले लें, तो क्या रहेगा वन माइनस कोस एन पाई, ठीक है, माइनस में पाई बाई एन कोस एन पाई, ये भी हमारा एज इट इज़, यहाँ लिमिट रखो साइन एन पाई ज़ीरो होता है, फिर साइन ज़ीरो भी क्या होता है ज़ीरो, तो हमारे पास इतना ही पार्ट रह जाएगा। तो देखो वन बाई पाई, या फिर हम एक काम कर सकते हैं पाई कॉमन निकाल लो यहाँ से सारे में से, तो क्या रह जाएगा वन बाय एन इंटू वन माइनस कोस एन पाई माइनस वन बाय एन कोस एन पाई, ठीक है। तो आप चेक करो आपके पास ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, अब वन बाय एन भी बाहर ले लो, तो वन माइनस कोस एन पाई माइनस कोस एन पाई इतना ही रहा, तो अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा वन बाय एन वन माइनस टू कोस एन पाई, क्लियर है। तो अब इसको फर्दर सॉल्व कर लो, अब कोस एन पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास माइनस वन रेज टू पावर एन, यही होती है। तो अब आपके पास वही ओड इवन का केस बनेगा, कितने की अगर आपके पास सपोज करो एन क्या हो गया ओड हो गया, एन इज़ ओड, सपोज कर एन ओड है तो वैल्यू क्या रहेगी, ये नेगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव नेगेटिव ये बाहर क्या हो जाएगा प्लस, तो टू प्लस वन कितना हो जाएगा थ्री, तो थ्री बाय एन, क्लियर है। और एन अगर हमारा इवन हो गया, अगर एन इवन हुआ तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव, तो ये क्या रहा माइनस टू, माइनस टू प्लस वन तो माइनस वन, तो माइनस वन बाय एन, क्लियर है। तो अब देखो इस केस में आप वैल्यूज फाइंड करो, बी वन की वैल्यू कहाँ से आएगी जब एन ओड है तो इससे, तो वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री, बी टू की वैल्यू कहाँ से आएगी यहाँ से, तो बी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वन बाय टू, बी थ्री की वैल्यू क्या होगी वन, बी फोर की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस वन बाय फोर एंड सो। तो अब आप इसको देखो सीरीज़ में पुट कर दो, एफ एक्स इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका, क्या होता है आपके पास ए नोट बाय टू, तो ए नोट की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, ए नोट की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही थी देखो माइनस पाई बाई टू, तो ए नोट बाई टू होता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई फोर, ठीक है माइनस। अब देखो जो नेक्स्ट है आपने निकाली थी ए एन वाली टर्म्स, इसमें देखो माइनस टू तो सब में है और बाई में पाई भी सब में है, तो हम ये यहाँ से कॉमन ही ले लेंगे माइनस टू बाई पाई, अंदर क्या रह जाएगा कोस एक्स, ओड टर्म्स ही थी इवन वाला तो केस ही ज़ीरो था, तो कोस थ्री एक्स बाई थ्री स्केयर प्लस कोस फाइव एक्स बाई फाइव स्केयर एंड सोन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो नेक्स्ट वाली टर्म बी एन वाली, तो वो हमने अभी निकाली थ्री, पहली टर्म थ्री, तो साथ में क्या आता है साइन एन एक्स, तो साइन एक्स, ठीक है। फिर आपके पास क्या है माइनस साइन टू एक्स बाई टू, माइनस वन बाई टू था ना, सिमिलरली आपके पास क्या हो जाएगा नेक्स्ट टर्म पे जाओगे तो जब नेक्स्ट निकालोगे तो साइन थ्री एक्स बाई थ्री, माइनस साइन फोर एक्स बाई फोर, और हाँ
यहाँ आप देखो बी थ्री की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वन, तो हमने डायरेक्ट वही पुट किया वन और फिर साइन थ्री एक्स, ठीक है, बाय में थ्री वैल्यूज आ गई हमारे पास, साइन थ्री एक्स बाय थ्री, तो ये सॉरी साइन थ्री एक्स सिंपल ये कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास साइन थ्री एक्स ही हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि हमारे पास क्या होता है ए वन साइन एन एक्स प्लस ए टू साइन टू एक्स फिर ए थ्री साइन थ्री एक्स, तो ए थ्री यहाँ पर आपके पास ये वैल्यू ही क्या है वन, तो साइन थ्री एक्स बाय थ्री वन, ठीक है, माइनस साइन फोर एक्स बाय। तो नेक्स्ट देखो जब हम इसमें हमने वैल्यू क्या निकालनी है, जो डिड्यूस करना था आपको पुटिंग x इज इक्वल टू ज़ीरो, तो f ऑफ ज़ीरो क्या हो जाएगा हमारे पास, आपने x की जगह ज़ीरो पुट किया तो यहाँ पुट करो तो ये क्या बनेगा, ये माइनस पाई बाई फोर तो एज इट इज़ माइनस टू बाई पाई, यहाँ पुट करोगे cos ज़ीरो क्या हो जाएगा वन प्लस फिर वन बाई थ्री स्केयर प्लस वन बाई फाइव स्केयर एंड सून, साइन वाला पार्ट तो क्या हो जाएगा ज़ीरो। अब आपको देखो एफ एक्स क्या गिवन है, डिसकॉन्टीन्यूअस गिवन है एट x इज इक्वल टू ज़ीरो, एट x इज इक्वल टू ज़ीरो, तो मैंने आपको बताया था आप यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, तो f ज़ीरो पे है ना, तो f ऑफ ज़ीरो माइनस ज़ीरो, x माइनस a करते हैं ना, तो यहाँ हमें a माइनस ज़ीरो जो आपने लिया था, अगर a हमारा पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी है तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हो, f ऑफ a माइनस ज़ीरो, तो यहाँ पे ए की जगह हमारे पास क्या है ज़ीरो, तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो कर रहे हैं, तो ज़ीरो से लोअर के लिए आप फंक्शन देखो, ज़ीरो से छोटी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन हमारे पास क्या है, ज़ीरो से छोटी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन हमारे पास है माइनस पाई, क्लियर है, तो हमने वही किया माइनस पाई, तो इसमें वैल्यू रखोगे तो वही माइनस पाई रहेगी, फिर आपने क्या किया अपर लिमिट निकाली, तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो, तो ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज़ के लिए फंक्शन हमारा क्या था एक्स, तो एक्स की जगह आप ज़ीरो पुट करोगे तो वो वैल्यू क्या देगा ज़ीरो, हमने फंक्शन में पुट करनी है ना ये वैल्यू, तो एक्स की जगह पुट कर दी, तो एफ़ ऑफ ज़ीरो किसके इक्वल होगा वन बाई टू एफ ऑफ ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस एफ ऑफ ज़ीरो प्लस ज़ीरो, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस पाई बाई टू, क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस पाई रखा ये ज़ीरो हमारा एज इट इज़। तो देखो जो हमारी इक्वेशन थी एफ एक्स की वैल्यू थी ना एफ एक्स इज इक्विवेलेंट टू दिस सीरीज, तो अब हमारे पास ये एफ एक्स की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, ये क्या हो जाएगी ज़ीरो पे माइनस पाई बाई टू इज इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर माइनस टू बाई पाई, एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू यहाँ पर अब हम पुट कर रहे हैं, ये वैल्यू हमने निकाली थी ना अभी इसके इक्वल, ठीक है, तो माइनस टू बाई पाई वन बाई वन स्केयर प्लस वन बाई थ्री स्केयर प्लस वन बाई फाइव स्केयर एंड सोन, तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो वन बाई वन स्केयर प्लस वन बाई थ्री स्केयर, आपको इसी की वैल्यू चाहिए ना, तो हम इसको यहाँ रख लेते हैं, बाकी टर्म्स को उठा के वहाँ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा देखो पहले माइनस पाई इसको टू बाई पाई को इसके साथ ही रखो, ठीक है मैम, तो बाकी टर्म को उठा के वहाँ ले जाओ माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर हो गया, तो यहाँ से आपके पास एलसीएम आ जाएगा फोर, तो टू माइनस टू पाई प्लस पाई, तो मतलब माइनस पाई बाई फोर हो गया। अब हमें वैल्यू सिर्फ इतने की निकालनी है, तो वन बाई वन स्केयर प्लस वन बाई थ्री स्केयर प्लस वन बाई फाइव स्केयर एंड सो ऑन इज इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर, ये यहाँ आके पलट जाएगा माइनस पाई बाई टू, तो ये क्या आ जाएगा पाई स्केयर बाई एट, यही हम इसमें वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो सम ऑफ सीरीज जो आपको निकालना है एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई द सम ऑफ दिस सीरीज़, वही अर्थमेटिक मीन जैसे आप निकालते थे उसमें वही है ये सेम, तो वो क्या होगा वन बाई टू एफ ऑफ, यहाँ से आप ले रहे हो पहला फंक्शन हमारा माइनस पाई टू ज़ीरो, तो माइनस पाई प्लस ज़ीरो उसके लिए डिफाइन है, फिर दूसरे वाला पाई टू ज़ीरो तो पाई प्लस ज़ीरो, तो हमने वही लिया वन बाई टू, ये क्या हो जाएगा माइनस पाई, फंक्शन में जब आप माइनस पाई प्लस ज़ीरो के लिए फंक्शन कौन सा है फर्स्ट वाला, देखो माइनस पाई से ज़ीरो के लिए हमें फंक्शन जो गिवन था वो कौन सा गिवन था माइनस पाई, और दूसरे वाले के लिए क्या गिवन था एक्स, तो देखो इस केस में तो माइनस पाई लिखा, और अब यहाँ पर देखो फंक्शन एफ पाई बन गया, तो एक्स एफ एक्स पाई प्लस ज़ीरो के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है पाई प्लस ज़ीरो के लिए हमारे पास फंक्शन है एक्स, जो आपको स्टेटमेंट में गिवन था ये रहा, तो अब एक्स की जगह आप पुट क्या करोगे एफ ऑफ पाई निकाल रहे हो ना,
तो एफ ऑफ पाई निकाल रहे हो तो एक्स की जगह पाई पुट कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा पाई, तो माइनस पाई प्लस पाई वैल्यू क्या हो जाएगी ज़ीरो, तो जो हमारी सम ऑफ सीरीज होगी वो क्या हो जाएगा ज़ीरो। क्लियर। तो ये हमारे पास अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर आपके पास गिवन है तो आपको क्वेश्चन इस तरीके से करनी है। फॉर्मूला सेम ही होगा लेकिन जो हमारा जहाँ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा वहाँ हम ब्रेक कर लेंगे पहले हमारे फंक्शन को। देखो ए नोट की वैल्यू हम निकालते ऐसे ही थे, वहाँ डायरेक्ट हमारे पास कॉन्टीन्यूस था फंक्शन पूरे इंटरवल पे, तो हम डायरेक्ट ए की लेते थे कि जीरो टू टू पाई एफ एक्स डी एक्स। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जहाँ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वहाँ हम फंक्शन को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है। सिमिलरली हमने ए एन फाइंड किया और बी एन फाइंड किया। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे नेक्स्ट वाला हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, उसमें चेंज ऑफ इंटरवल पार्ट है, चेंज ऑफ इंटरवल है और उसके बाद आपकी पार्सिवल आइडेंटिटी है, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स का शुरू करेंगे। ठीक है बेटा।